सो नमस्कार, आपका स्वागत है माइक्रोप्रोसेसर 8085 के क्रैश कोर्स में। सो इस एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे इंस्ट्रक्शन माइक्रोप्रोसेसर 8085 के। तो मुझे अंदाज़ा नहीं है वीडियो लेंथ कितनी जाएगी, बट हम थोड़ा स्पीड भी रखेंगे और साथ में साथ एक्सप्लेनेशन भी स्लो रखेंगे। ऐसा ना हो कि बस वीडियो बनाने के लिए पर्पस है, तो स्पीड स्लो ही रहेगी एक्सप्लेनेशन की। तो मैं सिर्फ अज्यूम क्या कर रहा हूँ कि आपको बेसिक थोड़ा बहुत पता है, एकदम मतलब थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं कि बस माइक्रोप्रोसेसर में सीधा यहाँ से स्टार्ट करें, थोड़ा हल्का फुल्का कि कितने रजिस्टर हैं, क्या है, बस थोड़ा बहुत। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो 5 सेट हैं इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर भी, 5 सेट हैं। आराम से एकदम स्पीड एक्सप्लेनेशन की स्लो रहेगी, नो डाउट एक ही वीडियो में होंगे, बट टेंशन मत लीजिए। सो फर्स्ट सेट है डेटा ट्रांसफर ग्रुप, डेटा को ट्रांसफर करना है, ठीक है, डेटा को ट्रांसफर करना है। कैसे करेंगे तो यहाँ पर आ जाते हैं मॉड्स, अलग अलग चीज़ें, आइए वन बाय वन समझते हैं। तो पहला मॉड होता है इमीडिएट मॉड। पहला क्या मॉड होता है? इमीडिएट मॉड। इमीडिएट मतलब अब जब हमें कुछ इंस्ट्रक्शन भेजते हैं तो इंस्ट्रक्शन वो जाता है, फिर पीसी में फेच होता है, फिर डीकोड होता है, फिर एग्जीक्यूट होता है। तो इसमें डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट मुझे चाहिए नहीं, टाइम नहीं लगना चाहिए मुझे, इमीडिएट अभी के अभी। तो वो है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। सो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के अंदर आ जाता है MVIB25H। माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन में जहाँ भी आई है, जहाँ भी आई आ जाए उसका मतलब रहेगा डेटा। समझ में आ रही है बात? जहाँ भी आई आ जाए उसका मतलब डेटा। ये मैंने क्यों कहा? अब 25H क्या हो सकता है? 25 डेटा भी हो सकती है जो मुझे स्टोर करनी है एट द सेम टाइम। 25 कुछ एड्रेस भी हो सकती है, नो डाउट 25 एड्रेस नहीं होगी क्योंकि 16 बिट एड्रेस हो सकती है, बट कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए जहाँ भी आई आए तो मतलब डेटा है। तो MVI मूव इमीडिएटली B,25H। माइक्रोप्रोसेसर में हम लिखते कैसे हैं? इंस्ट्रक्शन, उसके बाद डेस्टिनेशन, उसके बाद सोर्स। तो जो चीज़ पहले लिखी हुई है वो डेस्टिनेशन है, मतलब B,25H। तो डेस्टिनेशन क्या है? B। सोर्स क्या है? 25। तो 25 कहाँ चला जाएगा? B में। आई होप इतना समझ में आया होगा। सो मूव इमीडिएटली B,25H, मतलब 25 को डालो B में। क्लियर है? अच्छी बात है। सेकंड चीज में आ जाते हैं, थोड़ी फैन की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। सेकंड चीज पे हम आ जाते हैं LXI। LXI का मतलब लोड इमीडिएटली। तो आई है यहाँ पर, आई है मतलब ये 2000 एक एड्रेस है कि डेटा है? सो एक डेटा है। तो एक्स का मतलब क्या? एक्स का मतलब जब भी माइक्रोप्रोसेसर में आए उसका मतलब होगा पेयर। ओके, सो एक्स का मतलब क्या होगा? पेयर। तो यहाँ पर पेयर है तो वो बी की बात नहीं कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है? बीसी पेयर। जैसे आपको पता हो यहाँ पर डीई पेयर है, एचएल पेयर है, और ए रजिस्टर है, और बीसी पेयर है। तो यहाँ पर उसने क्या बोला है? लोड इमीडिएटली B,2000H। अब B मैंने कहा X का मतलब पेयर, तो मतलब B की बात तो सिर्फ नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है BC की। तो BC में किसकी वैल्यू डालो? 2000H की। अब B एक 8 बिट का रजिस्टर है, C एक 8 बिट का रजिस्टर है, यानी कि दो नंबर इसमें जाएंगे, दो नंबर इसमें जाएंगे। अब नंबर क्या है? 2000। अब 2000 एक नंबर है, और यहाँ पर मैं बता दूँ जो भी रजिस्टर्स के पेयर बने हैं उसमें ऐसा रहता है, ये वाले को बोलते हैं हायर बाइट, इसको लोअर बाइट, हायर बाइट लोअर बाइट, हायर बाइट लोअर बाइट। उसी तरीके से 2000 नंबर की हायर बाइट क्या होगी? 20, और 00 क्या हो जाएगा? लोअर बाइट। तो रूल है माइक्रो प्रोसेसर का, कोई भी प्रोसेसर हो, हायर बाइट गोज़ टू हायर एड्रेस, लोअर बाइट गोज़ टू लोअर एड्रेस। तो यहाँ पर 20 कहाँ चला जाएगा? 20 चला जाएगा बी में, तो इसलिए मैंने बी के नीचे लिखा है 20, और 00 कहाँ चला जाएगा? सी में। तो ये था लोड इमीडिएटली बी विथ 2000H। अब हम देखते हैं तीसरा, मूव इमीडिएटली M,25H। तो M क्या होता है? सो M होती है मेमोरी। अच्छा, मेमोरी, तो मेमोरी कुछ न्यू है क्या? कुछ अलग जगह है, मतलब कुछ माइक्रोप्रोसेसर में कुछ आर्किटेक्चर है क्या मेमोरी जैसा?
नहीं। जो हमारी लोकेशंस हैं, डेटा लोकेशंस, जैसे हम सपोज ये मेरी डेटा लोकेशंस हैं, जैसे कि माइक्रोप्रोसेसर 8085 को 64 किलोबाइट की मेमोरी है, यानी कि 64 × 10³ यहाँ पर मेमोरी लोकेशन से। अगर मैं स्टार्ट करता हूँ सपोज C100 से, तो C100 के बाद मैं 64,000 नंबर्स लिख सकता हूँ, तो ठीक है लिख सकता हूँ, तो कौन सी बड़ी बात है, तो यहाँ पर ये सब आ जाएगा। तो क्या सारी की सारी मेमोरी बोलेंगे, मतलब M का मतलब ये सब कुछ नहीं। मेमोरी कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, समझ में आ रही है बात, कुछ फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है मेमोरी। मेमोरी क्या है फिर? सो जहाँ HL पेयर पॉइंट करे उसे हम कहते हैं मेमोरी। जहाँ HL पेयर, सपोज मैं HL पेयर को पॉइंट करवाता हूँ, पॉइंट कैसे कराएंगे ये सब बाद में हम देखेंगे। सपोज HL पेयर पॉइंट कर रहा है यहाँ पर, सपोज इसका नाम है C500, तो वो मेरी मेमोरी है, समझ में आ रही है बात। सो वेयर HL पेयर पॉइंट्स इज द मेमोरी लोकेशन एट दैट टाइम। सो यहाँ पर क्या लिखा है, MVI M,25H, मूव I मतलब डेटा है, मूव इमिडिएटली M,25H, यानी कि ये डेस्टिनेशन, ये सोर्स, 25 को डालो M में। अच्छा, तो ये पॉइंट कर रहा है HL पेयर C500 पे, यानी कि इसके अंदर यहाँ पर डेटा डालो 25। तो ये होता है कॉलम एड्रेस का और ये होता है कॉलम डेटा का। सो आई होप बेसिक 3 इंस्ट्रक्शंस आपको समझ में आए होंगे। तो ठीक है, ये आ गए सब इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, यानी कि तीनों में इमीडिएटली मैंने नंबर भेजा, मैंने फेचिंग, डीकोडिंग और एग्जीक्यूशन का टाइम यहाँ पर बचा दिया। सो ये पहले के 3 थे इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। अब सेकंड आ जाते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। कौन से रजिस्टर, मैं लिख देता हूँ कुछ, वो तकलीफ की बात नहीं है। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर के थ्रू डेटा ट्रांसफर होगा। एम क्या है, डेटा ट्रांसफर कैसे करना है, अब रजिस्टर के थ्रू। तो अब यहाँ पर इमीडिएट था तो आई आ रहा था। अब आप नोट करो बाकी के 74 - 3 कर दो, या जितना भी आई कहीं भी नहीं आएगा, समझ में आ रही है, मतलब जहाँ जहाँ डेटा है नो डाउट आएगा बहुत जगहों पर, बट इमीडिएट के अंदर नहीं आएगा, दूसरों में नहीं आएगा, इमीडिएट में ही आएगा। ओके, सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेट जो है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, यानी कि रजिस्टर का यूज होगा, वो जो कि आप देख सकते हैं। अब मूव B,C, मतलब अब एक बात समझ लो, मैं बार बार नहीं कहूँगा, पहले डेस्टिनेशन फिर सोर्स। ओके, पहले डेस्टिनेशन फिर सोर्स, सो मूव B,C, सी को बी में डालो, मतलब सी अगर 5 है तो बी को भी 5 करो, ठीक है। उसके बाद मूव M,B, जो मेमोरी के अंदर डेटा है, जो अब ये मैंने बनाया था यहाँ पर, अब सपोज ये है C100 एड्रेस और इसके अंदर डेटा है 25 और HL पेयर पॉइंट कर रहा है यहाँ पर, तो ये क्या बन गई, मेरी मेमोरी। सो मेमोरी को भेजो B में, मतलब C100 की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, जो डेटा है उसके अंदर, जो डेटा है उसकी बात हो रही है। सो यहाँ पर 25 कहाँ चला जाएगा, B में, सो B क्या बन जाएगा, 25। मूव C,M, सेम वे में सी रजिस्टर में जो पड़ा है, सपोज सी में वैल्यू है 15 तो नहीं हो, हाँ चलो 15, या सपोज सी में वैल्यू है 09, ठीक है। सो 09 कहाँ चला जाएगा, मेमोरी में, तो ये क्या बन जाएगा, 09। सो ये किसके थ्रू किया हमने, रजिस्टर्स के थ्रू। ओके, सो अब हम इंस्ट्रक्शन देखते हैं, थोड़े हाई लेवल, कुछ नहीं है ऐसे ही बोलने में हाई लेवल है, ठीक है। सो यहाँ तक मैं होप करता हूँ कि 6 आपके हो गए, तो मैं रब कर दाऊँ, क्योंकि फिर अनफॉर्चुनेटली डर सा लगता है कि यार इतना किया है, इतना करना है, और ये था रीज़न बोलने का, रब इसीलिए किया क्योंकि अब यहाँ ड्रॉ करूँगा तो थोड़ा इजी पड़ेगा, सॉरी थोड़ा सेल्फिश बनने के लिए। सो लोड ए कॉमा 2000, हाँ 7th इंस्ट्रक्शन, लोड ए, ठीक है, लोड करो ए, मतलब ए में वैल्यू डालो, ठीक है, कहाँ से डालो, तो 2000H से डालो। अच्छा, अब A एक 8-bit रजिस्टर है, यानी कि 2 digit इसमें जा सकते हैं, वैल्यू कौन सी बोल रहे हैं, ये 2000, तो ऑब्वियसली 2000 तो A में नहीं जा सकता, तो ये किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर I है क्या, नहीं, तो डेटा तो नहीं है, तो 2000 क्या है, एड्रेस है, तो ये कह रहा है कि यहाँ पर जाओ मेमोरी लोकेशन नहीं बट लोकेशंस में जाओ,
वहां पर 2000 वैल्यू देखो, 2000 के बाजू में जो 8 बिट नंबर है मैम, ये लोकेशन हमेशा 16 बिट होती है और ये 8 बिट, तो 2000 के बाजू में जाओ, जो वैल्यू है वो ए में डालो, यानी कि लोड ए। सपोज यहाँ पर था नंबर 55, सो ए क्या बन जाएगा अब 55, समझ में आ रही है, लोड ए, ए के अंदर लोड किया। तो नेक्स्ट क्या है, स्टोर ए, सपोज मैं यहाँ पर कर देता हूँ 3000, इसका मतलब ए को कहीं और स्टोर करो, तो कहाँ स्टोर करो, 3000, तो सपोज इसका एक्सटेंशन है तो यहाँ पर 3000, तो 3000 में क्या चला जाएगा, ए, ए क्या है 55, सो 3000 क्या बन जाएगा 55, मतलब लेन देन का काम, लोड ए, ए में डालो, स्टोर ए, ए से लो। और एच एल पेयर, हमारे पास तीन पेयर हैं, बी सी पेयर, डी ई पेयर, एच एल पेयर। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एच एल पेयर, क्यों, क्योंकि मेमोरी का उसे भाग बनाया गया है, सो इसलिए थोड़े दो इंस्ट्रक्शन हैं जो उसके लिए भी यूज़ किए जाते हैं, लोड एच एल पेयर डायरेक्टली, लोड एच एल पेयर डायरेक्टली एंड स्टोर एच एल पेयर डायरेक्टली। तो यहाँ पर अब चर्चा करते हैं हम उसके बारे में, लोड एच एल पेयर डायरेक्टली एंड स्टोर एच एल पेयर डायरेक्टली। आए है क्या यहाँ पर, नहीं, तो ये डेटा है कि इंस्ट्रक्शन है, ये है, बोलो इंस्ट्रक्शन। सो ठीक है, देखते हैं अब एल एच एल डी, मतलब लोड करो एच एल पेयर को डायरेक्टली, यानी कि एच के अंदर एक दो बिट नंबर जाएगा, एल के अंदर एक दो बिट नंबर जाएगा, और क्या बोला है 5000, तो 5000 तो नहीं जाएगा, क्योंकि अगर डेटा होती यहाँ पर किसी तरीके से आए लिखा होता तो चला जाता, क्योंकि यही डेटा है, नहीं, ये कह रहा है 5000 लोकेशन पे जाओ, वहाँ से जाके जो नंबर है वो डालो। ठीक है, जाकर देखता हूँ मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और यहाँ पर लिखा है 5000, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है 5000 और इधर नंबर है 02, ओके, तो ये तो सिर्फ दो डिजिट हुए, यहाँ पर तो मुझे चार डिजिट डालने हैं, तो अब मैं क्या करूँ, कुछ गलत है क्या इंस्ट्रक्शन, नहीं, इंस्ट्रक्शन यही है लोड एच एल डायरेक्टली। सबको लगता है प्रिंट मिस्टेक है यहाँ, कुछ ऐसा है, तो यहाँ वो लोग 2000 ही यहाँ पर भर देते हैं, लाइक एल एच एल डी 5000, तो 5000 ही लिख देते हैं, तो क्या करें। तो ये क्या है एच एल, एक 16 बिट नंबर, एच एल पेयर 16 बिट है, तो मुझे वैल्यू कौन सी लगेगी, 16 बिट। तो वो क्या करेगा माइक्रो प्रोसेसर, नेक्स्ट वैल्यू देखेगा जो कि होगी 5001, सपोज वो है 03, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों वैल्यूज चली जाएंगी एच एल पेयर में। मतलब मैं यहाँ पर लोकेशन सिर्फ कौन सी मेंशन करूँगा, एक ही 5000, उसकी नेक्स्ट लोकेशन वो ऑटोमेटिकली खुद ही ले लेगा, समझ में आ रही है बात। तो अब सवाल है 02 यहाँ जाए कि 02 यहाँ जाए, पहले ही बताया इसी वीडियो में, हायर बाइट हायर एड्रेस, लोअर बाइट लोअर एड्रेस। हायर एड्रेस कौन सी है, सो 5001 बड़ा है, तो ये क्या हो गया हायर बाइट, तो ये कहाँ चला जाएगा हायर बाइट, यानी कि 03 बन जाएगा, और ये क्या है लोअर बाइट, कहाँ चला जाएगा लोअर एड्रेस 02 बन जाएगा। सो आई होप समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में देखते हैं। सो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है स्टोर एच एल पेयर डायरेक्टली, यानी कि स्टोर करना है मुझे एच एल पेयर को। अब सपोज 2000 पे स्टोर करना है, तो 2000 पे स्टोर करना है, यानी कि एच एल पेयर में कुछ वैल्यू अभी पड़ी है, तो मैं बोलता हूँ 04 और 05 वैल्यू पड़ी है एच एल पेयर में एट प्रेजेंट, मुझे कहाँ डालनी है 2000 में। तो सपोज यहाँ मेरा आ जाता है 2000, अब 2000 में कुछ 8 बिट वैल्यू जाएगी, तो वही लॉजिक 2001 भी रहेगा। सो ये हो गया लोअर बाइट, ये हो गई हायर बाइट, सो लोअर बाइट कहाँ चली जाएगी 05 कहाँ चला जाएगा 2000 पे, और हायर बाइट चली जाएगी हायर एड्रेस पे। सो अब आपको एल एच एल डी एस एच एल डी समझ में आ गया होगा। सो अब यहाँ पर है एल डी ए एक्स और बी और एस टी ए एक्स, तो यहाँ पर देखो एक्स है, एक्स का मतलब पहले ही बताया इस वीडियो के शुरुआत में, बोल दो यार थोड़ा मुंह भी खोलो। सो एक्स का मतलब पेयर, रजिस्टर पेयर, तो यहाँ पर बी की बात हो रही है, नहीं, बी सी की बात हो रही है, यहाँ पर बी की बात हो रही है, नहीं, अगर डी लिखा हो तो डी की बात हो रही है, नहीं, डी ई की बात हो रही है। सो वही है लोड ए एक्स पेयर
with B, यानी कि accumulator में कौन सी value डालो, B X है तो यानी कि BC pair की, समझने की कोशिश करते हैं. तो B suppose है 50 और C suppose है 00, यानी कि BC pair क्या हो गया मेरा, equivalent to 5000. और A में कितनी value जाएगी, 8 bit number जाएगा A में, और BC pair कितने bit का है, 16 bit का, और 5000 कितने bit का है, 16 bit का. पर 5000 क्या है, data है कि instruction है, क्या है वो, actually है जो location मेरी point की जा रही है, यानी कि suppose यहाँ पर 5000 है, तो जो इसके बाजू में जो data रहेगी वो चली जाएगी A में, समझ में आ रही है बात. तो इसलिए कहा load AX, कहाँ से load करो, तो load करो BC जहाँ पर point कर रहा है, समझ में आया. So 50 जहाँ पर जो भी number होगा वो कहाँ चला जाएगा, A में. उसी तरीके से STAX एकदम opposite, A में जो number है वो किसी दूसरे जगह पे आ जाएगा जहाँ आप में जहाँ point कर रहा हो उस time पे B pair, समझ में आ रही है बात. और ठीक है, तो ये था basic. अब थोड़ा एक level और increase होते हैं हम, PCHL, SPHL. तो PC अगर आपको 8085 का आर्किटेक्चर पता है तो काफ़ी बेस्ट रजिस्टर है, हमारे यूज़ के लिए नहीं है, वो स्पेशल पर्पस रजिस्टर है. जो हमारे यूज़ के रजिस्टर होते हैं उसे कहते हैं जनरल पर्पस, जो हमारे यूज़ के नहीं उसे कहते हैं स्पेशल पर्पस. तो PCHL में क्या हो जाएगा, HL पेयर की वैल्यू चली जाएगी PC में, सिंपल. HL पेयर की वैल्यू कहाँ जाएगी, PC में. SPHL में क्या होगा, HL की वैल्यू चली जाएगी SP में. HL की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, SP में. थोड़ी समझने वाली बात है, SP में नहीं जाएगी, बट लिखा है कैसे लिखा है. सो यहाँ पर एक स्टैक का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा. देखो सब तो एक चीज़ में एक ही वीडियो में नहीं समझा सकते, तो मैं इंस्ट्रक्शन पे स्टिक हूँ, थोड़ी थियरी आपको आनी चाहिए. सो यहाँ पर कैसा होता है, जैसे शटल कॉक है, तो शटल कॉक्स का जो बंच आता है, यानी कि सब शटल कॉक्स एक साथ में, देखो ड्यूरेशन खाली कहाँ पहुँची और वीडियो चालू है. हाँ, सो शटल कॉक्स का जैसे बंच आता है, तो उसमें एक शटल डाली, दूसरी डाली, तीसरी डाली, चौथी डाली, तो वो कैसे एक तरीके से स्टैक बन जाता है, समझ में आ रहा है. तो जो शटल मैंने लास्ट डाली वो सबसे पहले निकलेगी, तो सेम यहाँ पर होता है स्टैक. मेमोरी लोकेशन में कुछ लोकेशंस रिजर्व्ड होती हैं एज अ स्टैक, तो ठीक है. तो वहाँ पर जैसे शटल, जो ऊपर वाली शटल है वो रहती है TOS, यानी कि टॉप ऑफ स्टैक, समझ में आ रहा है, टॉप ऑफ स्टैक. सो दैट्स इट. यहाँ पर भी क्या होगा, अब सपोज ये ऐसे मेमोरी लोकेशंस हैं 5000, 4999, तो यहाँ पर एक ऐसी लोकेशन होगी जो पॉइंट कर रही होगी टॉप ऑफ स्टैक को, तो उसे हम कहते हैं SP, यानी कि SP पॉइंट्स टुवर्ड्स टॉप ऑफ स्टैक, जिसे शॉर्ट में कहते हैं TOS. तो SP कहाँ पॉइंट कर रहा है, टॉप ऑफ स्टैक पे. तो मैंने लिखा है HL पेयर की वैल्यू डायरेक्टली चली जाए SP में, यानी कि मैंने यहाँ पर लिखा है नहीं, कहाँ चली जाए, जहाँ पर उसकी नेक्स्ट डेटा है. ये तो सब मेमोरी लोकेशंस हैं, डेटा कहाँ है यहाँ पर, तो वो डेटा में आ जाए HL पेयर की डेटा. बट अगेन यहाँ पर वही लॉजिक है, ये क्या है 16 बिट की डेटा और ये तो सिर्फ 8 बिट है, तो अगेन जैसे पहले था दो मेमोरी लोकेशंस, इसी वीडियो में दो बार हो चुका है. सो वही सेम लॉजिक है, यानी कि 4998 की जगह HL पेयर नहीं आएगा, जहाँ वो पॉइंट कर रहा है उसके जगह पे, क्योंकि ये कोई चेंज नहीं कर सकता है, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये तो मेमोरी लोकेशंस जब माइक्रोप्रोसेसर बना तब से हैं. सो वही है एक्सचेंज. अब एक्सचेंज के आगे कभी भी हम रजिस्टर नहीं लिखते, जैसे हम लिख रहे थे MVI B, C, M, ये सब चीज़ें, तो रजिस्टर्स लिख रहे थे एक्सचेंज में हम नहीं लिखते XCHG में, क्यों, क्योंकि वो बना ही दो पेयर के लिए है, HL पेयर और DE पेयर, समझ में आ रही है बात, और कोई पेयर इसमें यूज़ कर ही नहीं सकते. होगा क्या, जो DE में नंबर है 16 बिट का वो HL में चला जाएगा, HL का DE में आ जाएगा. XTHL जो HL है वो SP के साथ, अगेन देखो SP के साथ इंटरचेंज हो जाएगा, समझ में आ रहा है, जो कंटेंट SP में है वो कहाँ चला, जो HL में है वो कहाँ चला जाएगा, SP. ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है,
मेमोरी लोकेशन के अंदर यानी कि 4998 के अंदर यानी कि उसके डेटा के जगह पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो एकदम एक्सचेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 16 इंस्ट्रक्शंस हमारे डेटा ट्रांसफर ग्रुप के ख़त्म हुए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ पर 4 पार्ट और हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।